नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के ग्यारसपुर में अनावेदक एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। शिकायतकर्ता कैलाश कुशवाहा का कहना है कि हमारा तर्क सुने बिना एक तरफा हमारे विरुद्ध आदेश जारी कर दिया गया है। यह पूरा मामला तहसील गुलाबगंज ब्लॉक ग्यारसपुर का है। आवेदक पूरन ने नक्शा दुरुस्ती का आवेदन किया था, जिस पर एसडीएम कोर्ट में जिसमें आवेदन कैलाश कुशवाहा को पेशी पर बुलाया गया था। दो बार कैलाश कुशवाहा को एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी द्वारा गुमराह किया गया। अगली तारीख को आना था, आज आपकी फाइल नहीं लाए। फिर जब कैलाश कुशवाहा अगली तारीख में पहुंचते हैं तो कह दिया जाता है कि 15 दिन पूर्व ही आपके आदेश पारित हो गया। इस संबंध में जब एसडीएम संजय कुमार जैन से बात की गई तो उनका कहना है कि पटवारी और आरआई के रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई के बाद ही आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कैलाश कुशवाहा को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वह अपील कर सकता है। विदिशा से कैमरामैन प्रेम नारायण सूर्यवंशी के साथ आशीष सहेले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। करता है संतापुर और तहसील गुलाबगंज के कैलाश, उन्होंने एक शिकायत की है कि हमारी बिना सुनवाई के ही स्थगन का आदेश पारित कर दिया गया है। तो सर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपको शायद मामला पूरा क्लियर नहीं है। स्थगन का आदेश, ये मामला एक्चुअली पूरन बनाम कैलाश का मामला है। ये हमारे कोर्ट में नक्शा दोस्ती का मामला था। नक्शा दोस्ती में पटवारी आरआई से रिपोर्ट ली गई, उसके बाद दोनों पक्षों को सुना गया और सुनने के बाद ही उसमें आदेश पारित किया जाता है। अब आवेदक को उसमें, चूंकि उसमें उनके अधिवक्ता उपस्थित थे नहीं, तो आवेदक हो सकता है कि जानकारी का अभाव रहा होगा, तो विधिवत सुनवाई के पश्चात ही उसमें आदेश पारित किया है। और आदेश पारित करके नक्शा दुरुस्त किया गया है। आवेदक को बताया, ये जो कैलाश जो शिकायत करता है इनको बता दिया गया है कि मौके पर आपका जो रकबा आप बोल रहे हो कि 1.202 हेक्टेयर रकबा आज भी मौजूद है, आप जाके सीमांकन करा लें। अगर आपको उसके बाद भी आपत्ति लगती है तो आप अपील का प्रावधान रहता है, अपील कर लें। इसके बाद भी इन्होंने धारा भवन का आवेदन हमारे पास दिया था, तो मैंने इनको स्थगन भी दिया है कि भाई आपको अगर आपको आपत्ति है तो मैंने स्थगन भी जारी किया है। स्थगन आदेश इनके पक्ष में हुआ है। इनको उन्होंने अपील के लिए समय मांगा था, अपील को जाके कर सकते हैं, है ना जी। तो अपील का प्रावधान रहता है, कोई भी आदेश होता है तो अगर वो असंतुष्ट है तो अपील कर सकते हैं, अपील करें। और अगर उनको मैंने ये भी समझाया कि आप मौके पर जाके एक बार सीमांकन करा लें, आपका रकबा है वो कहीं प्रभावित नहीं हुआ है, केवल नक्शे में त्रुटि थी, नक्शा सुधार किया है जी। सर, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि जो आपके यहाँ पर रीडर हैं सैम मैडम, उनकी कहीं ना कहीं इसमें गलती बता रहे हैं कि और उन्होंने 16 को बुलाया था, 16/7/2020 को, पर 17 को आज स्कैम कर दिया, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही बता रहे हैं शिकायतकर्ता। नहीं, लापरवाही तो मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि केवल रीडर नहीं, मैं तो पीठासीन अधिकारी के नाते मैं सुनता हूँ ना जी, जी। तो मेरे मामले में मेरे संज्ञान में पूरा मामला है जी, जी। अब चूंकि बहस हो चुकी होती है, बहस के बाद फिर आवेदक को सुनने का कोई मतलब होता नहीं, उसके बाद आदेश ही प्राप्त किया जाता है जी, जी। तो हो सकता है उनको किसी ने मिसगाइड किया होगा, उनको चीज समझ में नहीं आ रही, तो अधिवक्ता से संपर्क करके उसको क्लियर कर सकते हैं, और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका रकबा कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं है, और चाहे तो अपील का प्रावधान है, माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं जी। ओके, थैंक यू। क्या है पूरा मामला, आप किस प्रकार की आप शिकायत कर रहे हैं बताइए, क्या है आपकी परेशानी? ये उपखंड अधिकारी महोदय ने 01/2021 के प्रकरण में 16/7/2020 तर्क के लिए पेशी नहीं है। उस दिन उपखंड अधिकारी महोदय गुलाबगंज केंद्र में पहुंचे हैं, कलेक्टर महोदय आते हैं, पूर्ण बारिश की मीटिंग थी, 17/7/2020 को इन्होंने आदेश कर दिया हमारे विरोध, यही हमें शिकायत है। तो आपके साथ न्याय नहीं हुआ है? नहीं, अन्याय हुआ है। तो आप किसकी गलती मान रहे हैं? किसी उपखंड अधिकारी की है, लीडर मैडम है जो सैन मैडम, उनकी है, उन्होंने हमें गुमराह किया। फिर बोली हम 23/7 को फाइल लाएंगे, 23/7 को प्रार्थी गए, बोले 30/7 को लाएंगे, 30/7 को हमने कहा मैडम पेश किया, मैडम बोली इसमें आदेश हो गए जी। तो बिना सुनवाई के आदेश जारी कर दिया, जो विधि के विरुद्ध है जी।